पिछले 28 दिनों से सड़कों पर उठ रहा ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुद्दा अब राष्ट्रपति के दरबार तक पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। ज्वेलर्स का एक प्रतिनिधिमंडल भी केजरीवाल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचा। केजरीवाल ने ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद सराफा कारोबारियों को होने वाली परेशानियों से राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए उनसे इस मामले में दखल देने का अनुरोध करते हुए एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की मांग की। ज्वेलर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिले। ज्वेलर्स के ऊपर जो केंद्रीय बजट के अंदर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसकी वजह से सारे देश के ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और सारे ज्वेलर्स आज सड़कों के ऊपर हैं 28 दिन से। राष्ट्रपति महोदय को हमने बताया कि ज्वेलर्स टैक्स देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन ये जो नया टैक्स लगाया गया 1% एक्साइज ड्यूटी का, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर आज आ जाएगा, इंस्पेक्टर आके तंग करेंगे और ज्वेलर्स अपना काम धाम छोड़ के बही खाते बनाएंगे, उनकी रेड भुगतेंगे, उसकी वजह से ज्वेलर्स के अंदर नाराजगी है। गौरतलब है कि केजरीवाल केंद्र सरकार के ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का शुरू से ही विरोध कर रही थी और ये कहकर विरोध किया जा रहा था कि इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देश भर के सराफा व्यापारी एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।